वेलकम टू माय वीडियो गाइस। सो आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये बलेनो 2017 डेल्टा मॉडल है। वैसे मैंने इसके जो हेडलैम्प्स हैं और जो टेल लैम्प्स हैं वो अल्फा मॉडल वाले लगवाए हुए हैं, बट मेरा जो रिव्यू है वो है सीएनजी के रिगार्डिंग। मैंने इस गाड़ी को 2017 में लिया था और सो बेसिकली मैंने 5000 किलोमीटर्स चलाने के बाद इसमें सीएनजी फिट करवा ली थी ऑथराइज डीलर से, और आज जो रिव्यू है वो उसी के रिगार्डिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट मी जस्ट ओपन द बोनट फॉर यू एंड जस्ट शो यू कि जो सीएनजी है ये वाली, इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और ये कैसे कैसे फिट हुई हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी 37,683 किलोमीटर्स चल चुकी है अभी तक। लेट मी जस्ट ओपन द बूट स्पेस। सो ये मैंने 2017 अप्रैल में ली थी और 5000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इसमें सीएनजी लगवा ली थी। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इसमें देख सकते हैं ये है सीएनजी का इनलेट, ये है इसका मीटर जो कि सीएनजी का मॉनिटर करता है, ये इधर इसके इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, ये चार इंजेक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, और ये सीएनजी का जो है गैस का पाइप है ये केबल टाई से टाई किया हुआ है, ठीक है। ये इसका ईसीयू है, इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके बेसिकली कॉन्फ़िगर किया जाता है विच इज़ अकॉर्डिंग टू दी ओनर्स सूटेबिलिटी कि उसको चलाने में कैसी फील हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वो सेटअप होता है, ठीक है। तो मैं एक बार पीछे चलता हूँ और आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि कैसे डीलर ने इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है बूट स्पेस को। और सो लेट्स गो टूवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द कार। एज यू कैन सी द टेल लैम्प्स आर फ्रॉम द अल्फा मॉडल, मैंने इसमें अल्फा मॉडल के टेल लैम्प्स लगवा लिए हुए हैं, दे जस्ट लुक गुड। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सी एन जी का सिलेंडर है, एज यू कैन सी दैट, जस्ट वन सेकेंड। ओके, इसको मैंने एक क्लॉथ से कवर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बूट स्पेस है जो बचा हुआ है वो ये है, इतना है, ये है सी एन जी का सिलेंडर, ठीक है। सो बूट स्पेस की बात करूँ तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली अभी भी दो लोगों का लगेज आराम से आ जाता है, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ जब कभी बाहर जाते हैं तो इसी गाड़ी को लेके जाते हैं, तो लगेज इसमें आराम से कैरी कर पाते हैं हम। सिलेंडर की बात करूँ तो ये 68 kg इसका सिलेंडर है एंड इसमें 12 kg जो है वो गैस फिल हो सकती है। नाउ विंटर्स में प्रेशर ज़्यादा होता है सीएनजी का, तो जो गैस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 kg आ जाती है और 400 रुपीस के अराउंड गैस आती है इसमें। समर्स की बात करूँ तो समर्स में यही जो होता है ये 8.5 to 9 kg में चला जाता है और 350 रुपीस के अराउंड इसके अंदर जो है वो गैस आ जाती है, ठीक है। और ये पूरा सीएनजी का कंट्रोल है, आप देख सकते हैं इसमें ये सीएनजी की लाइट्स हैं, अभी दो पॉइंट्स इसके बचे हैं, और ये मैनुअल कंट्रोल के लिए, तो मैं इसको अगर पुश करता हूँ तो ये पेट्रोल पे चली जाती है, ठीक है। और सुबह ऑफिस जाते टाइम अब यही यू नो कोशिश कीजिए कि ये जो है ये पेट्रोल पे ही रहे 1-1.5 किलोमीटर के लिए, उसके बाद मैं इसको दोबारा पुश करता हूँ तो ये फिर सीएनजी पे चली जाएगी। ये ग्रीन बटन जो है ये दिखाता है दैट द कार इज़ रनिंग ऑन सीएनजी। तो अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को सीएनजी ऑप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि जिन लोगों का जो ट्रैवल है वो पर डे का अगर 60-70 किलोमीटर्स है तो सीएनजी उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहती है, क्योंकि अगर मैं पर ईयर की कॉस्ट निकालूं तो और पेट्रोल से कंपेयर करूं तो सीएनजी में मेरे को अराउंड 40-45,000 रुपीज़ बचते हैं इवन आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट ऑन द सीएनजी फिटमेंट किट। जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसमें सीएनजी जो है वो 45,000 रुपीज़ की लगवाई थी ऑथराइज डीलर से, और उसके बावजूद भी मैं अगर पेट्रोल से कंपेयर करूं तो मुझे काफ़ी पैसे बच जाते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये रहेगा कि जिन लोगों की सिटीज़ में सीएनजी रेडीली अवेलेबल है, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो यहां पे सीएनजी स्टेशन बहुत आसपास हैं, ठीक है, तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती सीएनजी फिल करवाने में। अगर एक स्टेशन पे बहुत ज़्यादा लाइन है लंबी तो मैं दूसरे पे जाके ईजिली फिल करवा सकता हूँ, ठीक है। थर्ड हेल्प वुड बी कि आप जो सीएनजी लगवाते हैं वो हमेशा ऑथराइज डीलर से लगवाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अनऑथराइज डीलर्स हैं
जो वो भी लगवाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव सीएनजी डीलर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एंड उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअली जो है सीएनजी की जो सेटिंग है वो बहुत सही से करके देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने जो सीएनजी लगवाई थी वो ऑथराइज डीलर से लगवाई थी, तो मैंने वेस्ट दिल्ली में मोती नगर में एक पूजा मोटर्स करके है वहाँ से सीएनजी लगवाई थी, और तब से मेरे को कभी कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि मेरे को उनके पास दोबारा से वापस जाना पड़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को सीएनजी नहीं ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है, सो जिन लोगों का ट्रैवल जो है वो 30 किलोमीटर से कम रहता है हर दिन का, तो उनकी जो पेट्रोल और सीएनजी का अगर हम कंपेयर करें तो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल आ जाती है सीएनजी की। तो उस केस में जो सीएनजी है वो ज़्यादा महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, क्योंकि हर दिन की जो एवरेज होती है वो बहुत कम रहती है, तो इसलिए उनको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी कि जिन लोगों को अपनी सिटी से रोज़ या वीक में एक बार या दो बार बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, तो बाहर जाने में ये होता है कि ऑल द सिटीज़ आर कनेक्टेड थ्रू हाईवेज, तो उस पर पेट्रोल का जो एवरेज आता है वो सही आ जाता है, तो उस पर रिक्वायरमेंट नहीं रहती इतनी सीएनजी की, और सीएनजी रेडियली अवेलेबल भी नहीं है अगर मैं दिल्ली से बाहर की बात करूँ तो। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ और, जब भी आप सीएनजी को गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी फॉर एग्जांपल सुबह ऑफिस से लेके जा रहे हैं, ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि ये एक किलोमीटर तक पेट्रोल पे चले। ठीक है, बेसिकली सीएनजी किट्स में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है, बट वो आपको नहीं करना है। मेक श्योर कि आप एक किलोमीटर पेट्रोल पे चलाएं अपनी गाड़ी जब आप सुबह अपनी गाड़ी को निकाल रहे होंगे, और जब वापस आते हुए जब आप गाड़ी को मतलब जब आप घर वापस आ रहे होंगे तो भी एक किलोमीटर पहले गाड़ी को रोकने से सीएनजी को बंद कर दें और पेट्रोल पे चलाएं। इससे क्या होगा कि इंजन जो है वो लुब्रिकेट रहेगा हमेशा, क्योंकि सीएनजी एक गैस की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इंजन को स्टार्ट होने टाइम लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो लोग बिल्कुल भी गाड़ी को अपनी इस पे पेट्रोल पे की बजाय सीएनजी पे चलाते हैं उनकी गाड़ी में जैसे झटके आने लगते हैं और बंद होने लगती है, तो वो ना करने के लिए बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आप गाड़ी 1 से 1.5 किलोमीटर रोज़ पेट्रोल पे चलाएं ही चलाएं। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सीएनजी किट्स। तो सीएनजी किट्स मार्केट में दो तरीके की आती है, एक वेंचुरी सीएनजी किट होती है जो कि जस्ट बेसिक सीएनजी किट होती है जो कि गैस को इंजन की तरफ पुश करती है, दूसरी होती है सीक्वेंशियल सीएनजी किट। ठीक है, और यही सेम किट है जो कि कार डीलर्स के पास जो फॉर एग्जांपल मारुति के पास 60 to 70,000 रुपीज़ की मिलती है। इसके अंदर एडिशनल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ इंजन की वारंटी की होती है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया था तो मैंने ये देखा था गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथराइज डीलर जो कि एक सीएनजी किट 45,000 की दे रहा है, वही सेम सीएनजी किट वो जो कि ओरिजिनल डीलर्स हैं जैसे कि मारुति वगैरह वो 70,000 की देते हैं, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो मेरी गाड़ी में जो सीक्वेंशियल किट लगी हुई है ये लोवेटो कंपनी की है, ये इटली की कंपनी है, एंड जब मैं लगवाने गया था तो मैंने एक एक पार्ट चेक किया था, और इसके पार्ट्स के ऊपर बारकोड भी होता है, सो आप अपने फ़ोन के थ्रू वो बारकोड स्कैन करके उस पार्ट्स का मैन्युफैक्चर डेट एंड उसकी वारंटी एंड यू कैन सी एवरीथिंग यू नो विद योर फ़ोन, सो उसमें कोई डाउट नहीं होता कि इसमें जेन्युइनिटी की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। ठीक है, तो हमेशा ऑप्ट फॉर सीक्वेंशियल सीएनजी किट्स, क्योंकि इसके अंदर एक तो ईसीयू इसका सेपरेट होता है और वो ईसीयू जो है वो मॉडिफाई हो सकता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, कैसे आपको गाड़ी चलानी पसंद है। मान लो आपको गाड़ी भारी चलती हुई लग रही है या आपको हल्की लग रही है चलाने में, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल सीएनजी किट में ईसीयू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसमें सिर्फ एक गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एवरेज की पेट्रोल और सीएनजी की। मान लीजिए अगर मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर चलती है रोज़ और मैं सिर्फ पेट्रोल पे चला रहा हूँ, तो जो साल की एवरेज आएगी वो एज़ कम्पेयर टू सीएनजी हाफ आएगी। दैट मीन्स कि मैंने पेट्रोल पे सीएनजी से आधे पैसे खर्चे, क्योंकि अगर मैं सीएनजी लगवाता हूँ तो 45 to 50,000 मैं सीएनजी पे भी स्पेंड करूँगा, तो उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। ठीक है, नाउ इसी सिचुएशन में किलोमीटर्स अगर हम डबल कर देते हैं, जैसे 60 किलोमीटर्स कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो सीएनजी की कॉस्ट है वो पेट्रोल से 1/3 आ जाती है। दैट मींस के जो सीएनजी है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में मुझे चीप पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, इवन आफ्टर एडिंग द बजट ऑफ द सीएनजी एज वेल।
सो विच मीन्स अगर मैं 45 से 50 हज़ार रुपये सी एन जी के ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद भी मुझे जो सी एन जी की कॉस्ट है वो पेट्रोल से सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कंपैरिजन के लिए अपना ही एक केस लेके चला था मैं, तो मैंने क्या किया, मैंने 60 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से साल की जो एवरेज निकाली, उसमें मेरे को जो पेट्रोल था, पेट्रोल का जो कॉस्ट था वो 30 to 35,000 रुपीज़ ज़्यादा पड़ रहा था। दैट मीन्स मैंने साल में 30,000 रुपये का पेट्रोल ज़्यादा खर्चा एज़ कम्पेयर टू सी एन जी। सो यू कैन सी कि सी एन जी उस केस में काफ़ी सस्ती पड़ती है, ठीक है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी इस टाइम पे सीएनजी पे चल रही है, और ये मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो इसकी आवाज़ है, तो सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि एज सच कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है। आप कैबिन में बैठे होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये यू नो बहुत ही कोई ऐसी वियर्ड सी साउंड आ रही है, कुछ आ रहा है। और ये अभी 32,000 किलोमीटर चलने के बाद है, सो यू नो इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन।